फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे बेबी गरारा डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है और इस तरह के गरारा आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हैं ये जितने में दिखने में जितना ही सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो इस तरह के गरारा आप आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा गरारा डिज़ाइन है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक लिया है। इसे बराबर से रखते हुए हम यहाँ पर इसके लेंथ ले लेंगे 12 इंच। यहाँ पर हमें इसके लेंथ लेना है 12 इंच। 2 इंच हम यहाँ से बेल्ट के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच हम यहाँ से बेल्ट के लिए ले लेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए अभी हमें क्या करना है, हिप के लिए मार्क करना है। तो हिप हम यहाँ पर इसकी 8 इंच पे लेंगे। ये 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए है, आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हमने 8 इंच पे यहाँ पे हिप ले लिए है और अभी हमें क्या करना है, बेल्ट को छोड़कर यहाँ पे क्रॉच में मार्क करना है। तो बेल्ट को छोड़कर हम यहाँ पे क्रॉच में मार्क करेंगे 8 इंच पे। तो 8 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसकी गोलाई दे देनी है इस तरह से। अभी हमें इसका बॉटम के लिए मार्क करना है। तो बॉटम हम यहाँ पर 8 इंच पे लेंगे। इस तरह से 8 इंच पे मार्क करके हमें यहाँ पे अभी हमें इसे कट कर लेना है। तो अभी हम इसमें पूरे में कट कर लेंगे। तो अभी हमें इसे पूरे में इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर से हमने इसे कट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अभी हमें 2 स्ट्रिप लेना है। इस तरह से हमें 2 स्ट्रिप लेना है और इसे बराबर से रखते हुए यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 35 इंच पे लेंगे और इसकी लेंथ हम यहाँ पे 11 इंच पे लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह से इसको बराबर से रखते हुए यहाँ से पूरे में प्लेट्स को स्टिच कर देना है यहाँ से इस, और यहाँ से हमें डबल फोल्ड में इसको स्टिच कर देना है। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है और नीचे से इसे डबल फोल्ड में स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर अभी ये रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल ली है और सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसकी डिज़ाइन बनाने के लिए एक डिज़ाइनर लेस लेनी है और इस लेस को हमको इसके ऊपर पूरे में स्टिच करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इस पर लेस रखेंगे और पूरे में इस लेस को स्टिच कर देंगे। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी क्या करना है, इसी तरह से लेस को स्टिच करना है। तो अभी ये रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आ गया है और ये गरारा बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। तो अभी इसको इसका ऊपर रख के इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर से सिलाई लगा देनी है और इसके ऊपर एक डिज़ाइनर सी लेस हमें लगानी है जिससे इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। तो हमें यहाँ पर सेम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से रखकर स्टिच कर देना है और इसके ऊपर एक डिज़ाइनर सी लेस लगा लेनी है। तो अभी हम इसे तैयार करके बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये तैयार हो रहा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो अभी हमने इसमें लेस अटैच कर दी है। अभी हमें इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर से हमें क्रॉच के लिए स्टिचिंग कर देना है। तो इसे बराबर से करेंगे और इस तरह से क्रॉच में हमें स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने क्रॉच में स्टिच कर दिया है। अभी इसे इस तरह से खोलकर अभी हमें इस तरह से इसको बराबर से करते हुए डबल फोल्ड में हमें बेल्ट के लिए स्टिच कर देना है। डबल फोल्ड में हमें इस तरह से बेल्ट के लिए गोलाई में स्टिच कर देना है और नीचे इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो अभी हम आपको इसको रेडी करके बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी सिलाई लग गई है और इसका बेल्ट भी तैयार हो गया है इस तरह से। अभी हमें क्या करना है कि एक इलास्टिक लेना है और इलास्टिक की जो विड्थ होगी हमारी वो 18 इंच होगी। इस तरह से इसको पिन की मदद से हमें बेल्ट में अटैच कर देना है। तो यहाँ पर से हमें इस तरह से बराबर से इलास्टिक को इसमें अटैच कर देना है जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब अभी हमें क्या करना है, हमने इसमें इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अभी इसे बराबर से करते हुए
यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है और इसको बराबर से कर कर हमें फिटिंग के लिए भी इसमें सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को बराबर से करके यहाँ पर इसकी फिटिंग के लिए भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो अभी ये हमारा डिज़ाइनर गरारा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये गरारा की डिज़ाइन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और बहुत ही सुंदर सा गरारा है, आप इस तरह का गरारा आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए है, बहुत ही डिज़ाइनर सा गरारा है और ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।